हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। रेलवे की तरफ से फिर से जारी किया गया है बहुत सारे वैकेंसीज लेके, और भी बहुत सारे वैकेंसीज के साथ साथ रिक्रूटमेंट किया जा रहा है रेलवे की तरफ से। RRC सेंट्रल रेलवे की तरफ से इस बार की वैकेंसीज निकल के आया है। तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं आज की इस वीडियो के अंदर, उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। किस तरह से एप्लीकेशन करना होगा, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोसेस क्या है, एक एक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 28 अक्टूबर 2022, जिसका लास्ट डेट दिया गया है 28 नवंबर 2022 तक। आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। जो फास्ट पोस्ट निकाल के वह है स्टेनोग्राफर, जहाँ पे 8 वैकेंसीज है, 12th पास एंड साथ में स्टेनोग्राफी के जो टाइपिंग स्किल आपके पास होना चाहिए। सेकेंड जो पोजीशन है सीनियर कॉमर्शियल टिकट काम कलेक्टर के, यहाँ पे क्लर्क काम टिकट क्लर्क के रिक्रूटमेंट है 156। ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए, जिसके बाद एप्लीकेशन कर सकते हो। थर्ड जो पोस्ट यहाँ पे निकल के आया वो है गुड्स गार्ड के, जहाँ पे 46 वैकेंसीज है। यहाँ पे भी डिग्री क्वालिफाइड कैंडिडेट चाहिए। स्टेशन मास्टर के लिए एप्लीकेशन करने के लिए 75 वैकेंसीज निकल के आए। यहाँ पे भी डिग्री पास होना चाहिए। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए 150 वैकेंसीज है, जहाँ पे डिग्री पास होना चाहिए। उसके बाद 6 नंबर पे जो वैकेंसी है वो है जूनियर कमर्शियल क्लर्क काम टिकट क्लर्क, जहाँ पे 126 12th पास होना चाहिए। इसके साथ साथ अकाउंट क्लर्क के लिए 37 वैकेंसीज निकल के आया है, यहाँ पे भी 12th पास होना चाहिए। यहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते, उसका एज क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है, जो कि है अनरिच सब कैटेगरी 42 ईयर्स तक यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते, OBC 45 एंड SC ST जो कैंडिडेट वो लोग 47 ईयर्स तक यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए आपको जो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया वो है आपका CBT टेस्ट और रिटेन टेस्ट होने वाला है। इसके साथ साथ स्पीड और स्किल टेस्ट यहाँ पे लिया जाएंगे। उसके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्ज़ाम के थ्रू आपको सिलेक्शन किया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन कर रहे हो, उनका मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे पब्लिश किया जाए, उसके साथ यहाँ पे भी आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन जो कि है ऑनलाइन में ही किया जाएगा। तो अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, वहाँ से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। रेलवे की तरफ से एप्लीकेशन करने के लिए ऑनलाइन में फास्ट आपको जाना होगा। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन के पेज मिलेगा, जहाँ पे आपका नाम, कम्युनिटी, डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय ID, मोबाइल नंबर, ईमेल ID सब कुछ दे के आपको एप्लीकेशन करना होगा। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट प्रूफ, इसके साथ साथ वोटर और आधार कार्ड एज ए आइडेंटिटी कार्ड, ये सारे जो है आपके पास होना चाहिए, जिसके बाद आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, जल्द से जल्द यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देने वाला हूँ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।